हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माइक्रो एच डी पर। फ्रेंड्स, समय समय में मल्टी वेंडर इकोसिस्टम की ट्यूटोरियल चल रही है, तो ऐसा कि हम कंटिन्यू करते हैं। हमने हमारे प्रीवियस वीडियो के सिंगल पेज को कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसके लॉगिन एंड साइनअप पेज को बनाएंगे। तो लॉगिन एंड साइनअप पेज के लिए हम लॉगिन का जो बटन होगा वो इस जगह पर रखेंगे। तो इसके लिए हम चलते हैं हमारी header.php में। header.php हमने जो फाइल क्रिएट की थी, देन इसके हम मेन्यू सेक्शन में यहाँ पर एक और मेन्यू ऐड करेंगे। देन यहाँ पर हम नाम की जगह पर एक आइकॉन ऐड करेंगे, फॉन्ट सम आइकॉन होगा जिसकी क्लास होगी एफ ए हाइफन साइन इन, रिलोड करेंगे तो ये हमें यहाँ पर आइकॉन मिल रहा है। देन इस आइकॉन पर हम रिडायरेक्शन बनाएंगे। एको बेस यूआरएल होम स्लैश लॉगिन, देन इसे करते हैं हम रिलोड। देन इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो हम देखिए एक नए यूआरएल पर आ रहे हैं, लेकिन हमें 404 मिल रहा है क्योंकि अभी यूआरएल बना नहीं है। तो इस यूआरएल को बनाना है हमें होम कंट्रोलर के अंदर। एक लॉगिन नाम की हमें मेथड बनानी होगी, तो हम चलते हैं होम कंट्रोलर के अंदर। देन यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करेंगे लॉगिन, जिससे पब्लिक लगाएं। ऑप्शनल होता है पब्लिक, अगर नहीं लगाएंगे तो भी वो वर्क करेगा। लगाते हैं पब्लिक क्योंकि हमारे सब भी फंक्शन ऑफ पब्लिक लगा हुआ है। देन यहाँ पर हम एक व्यू लोड कराएंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम डॉलर दिस लोड व्यू। देन यहाँ पे हमने लोड कराना होगा लॉगिन डॉट पीएचपी फाइल। तो लॉगिन डॉट पीएचपी फाइल आपके व्यू फोल्डर में होना चाहिए। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है इसलिए मैं इसे बना नहीं रहा हूँ। ये लॉगिन डॉट पीएचपी फाइल एक एम्प्टी फाइल बनी हुई है मेरे पास, तो हम इसी को यूज़ करेंगे। देन लॉगिन डॉट पी एच पी व्यू फोल्डर होना चाहिए। देन उसमें हम एच टी एम एल लिखेंगे, तो यहाँ लिखना है हम एच टी एम एल देन लॉग इन, और यहाँ पर भी हम लिख देते हैं लॉग इन एंड रिफ्रेश। ठीक, देखिए यहाँ पर तो आ रहा है, लेकिन और यहाँ लॉग इन टैग लगा दिया हमने, बल्कि इसे हमने H3 टैग के अंदर लॉगिन लिखना चाहिए था। एंड रिफ्रेश, देखिए लॉगिन आ रहा है। तो इस तरह से हमारा जो है लॉगिन वर्क कर रहा है। सेव, देन अगेन रिलोड। अब हम चाहते हैं यहाँ पर कि हमारा जो इस पर हमारा लॉगिन पेज रेंडर हो, तो इसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले तो हम बेसिक जो डिपेंडेंसी है वो ले लेते हैं हेडर से। तो सबसे पहले हमें चाहिए बूटस्ट्रैप की फाइल, मेटा पॉट चाहिए, बूटस्ट्रैप फाइल चाहिए, देन स्वाइपर जे भी चाहिए हमें, ये भी फोटोसम भी लगेगी, देन इतनी फाइल तो हमें ये वाली लगेगी। तो हम इन फाइलों को हमारे हेडर पे सेट करेंगे। कभी भी आप पूरी साइट का कंटेंट अलग रखिए, और लॉगिन पेज और साइनअप पेज का जो एचटीएमएल होता है उससे अलग रखिएगा, तो ये अच्छे रहते हैं क्योंकि ये ऑथेंटिकेशन वाले रहते हैं, तो ये लॉगिन के पहले यूज़ भी हो जाते हैं, तो इन्हें हम अलग रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। या आप कंबाइंड भी कर सकते हैं अगर चाहें तो। देन उसके बाद इसके फुटर सेक्शन में इसकी जेएस हमें लेना होगी। इसका मैं आपको बताऊंगा कि हम क्यों इसे अलग रखना है अभी। टेस्ट, देन यहाँ पर जो ये है इसको की जगह हम लिखेंगे auth डॉट जे एस। इसकी जावास्क्रिप्ट फाइल सेपरेट होगी, और इसकी जो सी एस एस फाइल होगी वो भी auth डॉट सी एस एस सेपरेट फाइल बनेगी एक। auth डॉट सी एस एस, तो हम इन दोनों फाइलों को क्रिएट करेंगे सबसे पहले। और हम चलेंगे हमारे रूट फोल्डर पर, टूल्स के अंदर सी एस एस फोल्डर के अंदर auth डॉट सी एस एस। देन इस तरीके से हम एक और फाइल बनाएंगे और उसे सेव करेंगे टूल्स के अंदर जे एस के अंदर auth डॉट जे एस। auth डॉट जे एस, तो ये हमारी सी एस एस और जे एस फाइल यहाँ बन चुकी है। देन यहाँ पर हम देंगे
टेस्ट, एंड रिलोड करने पर ये हमारा जो है यहाँ पर विजिबल हो रहा है टेस्ट। तो ये हमारा जो पेज ये बन चुका है। अब इसके लिए हमें लेआउट बनाना है, तो हम देख लेते हैं पहले हमारी नॉर्मल वेबसाइट का कलर कॉम्बिनेशन क्या है। तो हमारी नॉर्मल जो वेबसाइट है पूरी, उसका कलर कॉम्बिनेशन ब्लैक एंड वाइट है, तो हम यही कलर कॉम्बिनेशन आगे भी यूज़ करेंगे, जिसमें फॉन्ट इसके वाइट चल रहा है, देन बैकग्राउंड ब्लैक है। तो हमारा लॉगिन पेज भी कुछ इसी अकॉर्डिंग बनेगा। तो सबसे पहले हम इस पर एक कंटेनर लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे डिव क्लास कंटेनर, देन हम चेक करते हैं कि हमारा डेटा सेंटर से स्टार्ट हो रहा है या नहीं। तो देखिए सेंटर से स्टार्ट हो रहा है। देन कंटेनर के अंदर हम देंगे डिव क्लास लॉगिन बॉक्स, और इसके अंदर हमारा क्लास रो होगी। देन इसके अंदर हम बनाएंगे डिव क्लास कॉल एस एम आई 12, और इसके अंदर हमारी फॉर्म डिज़ाइन होगी, तो फॉर्म होगा फॉर्म ग्रुप। देन इसके अंदर होगा लेबल एंटर यूज़र नेम, देन सी के जस्ट नीचे होगा इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम यूज़र नेम, देन प्लेस होल्डर होगा एंटर यूज़र नेम, एंड इसी तरीके से हमें नीचे पासवर्ड फील्ड बनाना है इसके, तो हम इसे कॉपी करेंगे देन पेस्ट, और यहाँ होगा पासवर्ड, और इसका हम टाइप भी देंगे पासवर्ड, और जिस जगह पर हमने इसका नाम ये दिया है यहाँ पर भी देंगे पासवर्ड, और यहाँ पर भी होगा पासवर्ड। अगर आप चाहें तो प्लेस होल्डर इस तरह से दे सकते हैं, अदरवाइज प्लेस होल्डर देने का एक और तरीका होता है, आप यहाँ पर सिस्टम स्टार लगा दें, पासवर्ड स्टार में शो होता है तो स्टार दिखता नहीं है। देन यहाँ पर आप चाहें तो यूज़र नेम एट ईमेल डॉट ईमेल, या एग्ज़ाम्पल लिख देते हैं यहाँ पर example.com, देन सी के जस्ट नीचे हमें एक बटन डिज़ाइन करना है, तो यहाँ पर हम लेंगे डिव देन क्लास फॉर्म ग्रुप, और यहाँ पर एक बटन होगा जिसका टाइप हम देंगे सबमिट सबमिट, और इस पर टेक्स्ट होगा लॉगिन, और इस पर क्लास देंगे हम btn, बूटस्ट्रैप क्लास है ये जो बटन के लिए यूज़ होती है, btn में फन इन्फो देंगे, जिससे हमें इस पर जो कलर मिलेगा वो होगा स्काई ब्लू। तो इसे हम देखते हैं इसका आउटपुट अभी किस तरह से बन रहा है। एंड रिफ्रेश करने पर हमारा फॉर्म तो हमारे प्रॉपर मिल चुका है, जिसमें बटन है, लेकिन टेक्स्ट फील्ड को हमें थोड़ी सी क्लास देना होगी। जैसे बटन तो हमारा पूरा अच्छा स्टाइलिश आ चुका है, लेकिन टेक्स्ट फील्ड नॉर्मल दिख रही है। तो टेक्स्ट फील्ड के लिए हम जो क्लास यूज़ करेंगे वो क्लास होगी क्लास फॉर्म कंट्रोल, इस तरीके से हम दूसरे कंट्रोल पर भी क्लास यूज़ करेंगे पेस्ट, देन अगेन रिलोड। तो देखिए इस तरह से यहाँ विजिबल हो रहा है। देन अब हमें इसके लिए स्टाइल देना है, तो स्टाइल देने के लिए हम अब इसे इंस्पेक्ट करेंगे, और सबसे पहले हमें इसके टॉप पर ये लॉगिन बॉक्स है, देन इसके आगे ऊपर होगा क्लास टाइटल बॉक्स होगा, देन इसके अंदर टाइटल होगा जिस तरह से हमारे हेडर में शो हो रहा है, तो हेडर में इसके साथ शो हो रहा है, तो हम इस सेक्शन को लेंगे इस एंकर टैग को, क्योंकि एंकर टैग रिक्वायर्ड होता है किसी भी उसके लिए। देन यहाँ हम इसे पेस्ट करेंगे, देन इस क्लास को हम ऐसे कर देंगे रिमूव, क्योंकि ये मेन्यू नहीं है।
जी हम चाहें तो इस हेडर को यूज़ कर सकते हैं पूरा, तो नेविगेशंस भी यहाँ से हो जाएंगे। तो चाहे तो हम इसे पूरा ले लेते हैं, ऐसे पूरा हम ले लेते हैं, नेविगेशन भी हमारे बन जाएंगे। तो यहाँ पर हम इसे पेस्ट करेंगे। इसे पेस्ट करने से पहले हम यहाँ पर एक रो बनाएंगे, देन उस रो के अंदर कॉल इसे हमारा 12, देन अब इसे हम करते हैं पेस्ट, देन अब इसे हम करेंगे टेप से सेपरेट, देन अगेन हम इसे करते हैं रिलोड। तो यहाँ पर हमें मेन्यू अवेलेबल हो चुके हैं। देन इसके बाद अब हमें हमारे जो लॉगिन बॉक्स है इसे हम स्टाइल देंगे। तो इसे स्टाइल देने के लिए हम यहाँ से सीएसएस लिखना स्टार्ट करेंगे, जिसमें इसको हम विड्थ देंगे 60%, सॉरी 60%, और कम कर सकते हैं इसको चाहे तो 50 कर सकते हैं, 50%। देन इसकी जो मिनिमम हाइट होगी वो होगी 200 पिक्सल, एंड मार्जिन टॉप दो सौ पिक्सल होगा, देन मार्जिन लेफ्ट होगा इसका 25%। तो ये इसका जो होगा मार्जिन लेफ्ट होगा। तो हम इसे कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं हमारे सीएसएस पार्ट पर। तो ये सीएसएस सेक्शन है, तो यहाँ से हम सीएसएस की रखेंगे, देन अगेन हम इसे करते हैं रिलोड। तो ये हमारा जो सेक्शन है वो लॉगिन पेज इस तरह से कुछ विजिबल हो रहा है। हम चाहें तो इसकी थोड़ी सी और डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं टॉप से, जो ये हमारा लॉगिन बॉक्स है इसका हम जाए तो मार्जिन टॉप जो आ रहा है उसे हम थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, 150 कर देंगे मार्जिन टॉप। तो इस तरह से इसका हमारा जो सेक्शन है ये बन चुका है। देन इसके बाद हमें इसका एक और पेज जो बनाना है वो होगा साइनअप पेज। तो साइनअप पेज के सबसे पहले तो हमें यहाँ पर पूरा वो सेक्शन बनाना होगा, तो इसको फिर कम ही करना पड़ेगी हमें, इसे 120 ही रखेंगे। देन अगेन रिलोड, देन इसके नीचे जहाँ पर सेक्शन इसका ख़त्म हो रहा है ये यहाँ पर इस रो के नीचे हम एक और रो बनाएंगे, क्लास रो, क्लास कॉल SM-12, देन यहाँ पर एक इंकर टेक लगाएंगे हम इस पर। अभी फिलहाल तो हम इस पर स्क्रिप्ट कॉलन सेमी कॉलन, देन यहाँ होगा साइन अप, यहाँ होगा क्रिएट न्यू अकाउंट क्लिक हियर, देन यहाँ पर हम देते हैं स्पेन और यहाँ हम स्पेन को क्लोज करेंगे। देन इस पर हम देंगे क्लास टेक्स्ट इन्फो, रिफ्रेश करेंगे हम इसे। तो इस तरह से हमारी जो कोई ये लिंक है ये बन रही है, जिसमें टेक्स्ट इन्फो के कारण ये एंकर टेक के कारण आ रहा है, ये तो हम हटा देंगे अभी। तो चलो हम एंकर टेक की जो सीएसएस आ रही है इस पर इसे रिमूव करते हैं, फिर हम इसे पूरे सिस्टम को देखेंगे। तो यहाँ पर हम एंकर टेक के लिए सीएसएस लिखते हैं कि जो टेक्स्ट डेकोरेशन नन डेकोरेशन नन, और जो कलर होगा
वो होगा ब्लैक, ये दो प्रॉपर्टी रहेगी। देन इसके बाद हमें इस पर एक और प्रॉपर्टी अप्लाई कराना है, इस पर जब कोई होवर करेगा तो होवर करने पे भी कोई अंडरलाइन नहीं आना चाहिए, तो होवर करने पे भी कोई अंडरलाइन नहीं आ रही है। तो हमने जो इसको इन्फो दिया है, इन्फो के कारण ये थोड़ा सा जो हमारा साइन अप है ये थोड़ा हाईलाइटेड दिखेगा, देन ये हमारा नॉर्मल ब्लैक कलर में दिख रहा है, इसलिए हमने इसके लिए स्पेन पर क्लास लगाई है इन्फो। देन अगर हम चाहें इसे बोल्ड भी कर सकते हैं, इसे हम बोल्ड टैग में अगर ले लेंगे तो जो ये पार्ट है ये पूरा हो जाएगा बोल्ड एंड फ्रेश। तो ये देखिए साइन अप यहाँ आ रहा है, और इसे कर सकते हैं हम यहाँ से अलाइन। इस पर काम नहीं करती शायद प्रॉपर्टी, तो हम इसको सेंटर टैग लगा देते हैं। तो सेंटर देन यहाँ पर देंगे सेंटर एंड अगेन हम इसे करते हैं रिलोड। तो ये हमारा साइन अप के लिए बन चुका है मैसेज बॉक्स। देन इसके साथ ही हमें एक और बॉक्स बनाना है, तो इसके लिए हम यहाँ पर जो है इसकी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं हम कॉल SM-10 देन 2, और यहाँ पर हमें एक टेक्स्ट यूज़ करना है फॉरगेट पासवर्ड के लिए, तो उसे भी हम देंगे इंकर टेक के अंदर। देन जावा स्क्रिप्ट कॉलन सेमी कॉलन होगा, देन फॉरगेट पासवर्ड पासवर्ड देन रिफ्रेश करेंगे तो ये यहाँ पर आ रहा है। ओके ठीक है, तो हम इसे कॉपी तो कर लेते हैं, उसको कस्टम बना लेते हैं, तो एकदम प्लेन रहेंगे। अभी हम इसे अगर इसे यूज़ करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, हमें पूरा स्टाइल मैनेज करना पड़ेगी, तो हम इसको फटाक से कस्टम बना लेते हैं। देन यहाँ पर हम इसे करते हैं पेस्ट, देन रिफ्रेश। तो ये अभी कुछ इस तरीके से आ रहा है, तो इसे हमें इस तरीके से दिखाना है, इसे हमें यहाँ पर लिखाना राइट में, तो इस पर हम देंगे क्लास पुल राइट एंड सेव। तो ये देखिए यहाँ पर आ चुका है फॉरगेट पासवर्ड, और इस पर हम स्पेन टैग लगा देंगे और वही कलर दे देंगे इन्फो वाला, क्योंकि ये भी हाईलाइटेड होना चाहिए, यूज़र को दिखना चाहिए कि यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड हो सकता है। तो यहाँ देंगे क्लास टेक्स्ट इन्फो, ये आपको बूटस्ट्रैप 3 में नहीं मिलेंगे, ये चीज़ आपको बूटस्ट्रैप 4 में अवेलेबल है। तो अगर आपको बिल्ट इन इन्फो क्लास काम नहीं करे समझ लीजिएगा आपके इसमें बूटस्ट्रैप 3 इंस्टॉल है, तो आप उसको बूटस्ट्रैप 4 में कन्वर्ट कर लीजिएगा। देन फ्रेश, तो ये देखिए फॉरगेट पासवर्ड यहाँ विजिबल होने लग चुका है। तो फ्रेंड्स ये हमारा लॉगिन पेज पूरा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने इसका फॉरगेट पासवर्ड का बटन भी रेडी कर लिया है, देन साइन अप पेज के लिए बटन रेडी है, और हमारे लॉगिन पेज का पूरा लेआउट रेडी है। तो इसके आगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके साइन अप पेज पर वर्क करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद लाइक एंड शेयर करें, और हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।